शिक्षक दिवस के अवसर पर आदर्श कन्याशाला में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं का हुआ सम्मान। इस अवसर पर पहुंचे शहर विधायक के हाथों हुआ सम्मान, जहां समारोह में छात्राओं ने विधायक वोरा से पूछे सवाल। दुर्ग के शासकीय आदर्श कन्याशाला में सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन स्कूल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण वोरा के हाथों स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए शहर विधायक अरुण वोरा से कुछ सवाल भी पूछे, जिसके जवाब पर विधायक वोरा ने बच्चों को आगे बढ़ने की राह दिखाते हुए कुछ प्रेरणादायक बातें भी बताई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि महापौर धीरज बाकलीवाल, विकास खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर केवी राव, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष रमीज रजा, पार्षद नजहत परवीन, एल्डरमैन राजेश शर्मा, शाला प्राचार्य नीता भट्ट उपस्थित थे। इस दौरान विधायक वोरा ने अपने गुरुजनों को याद करते हुए कठिन परिश्रम के साथ छात्राओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया, साथ ही सभी शिक्षकों का सम्मान किया। और वहीं इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने शाला के प्रार्थना स्थल में डोम शेड लगाने 15 लाख रुपए की घोषणा भी की। वहीं मंच संचालन ममता ध्रुव एवं आभार प्रदर्शन मोहसिन अली द्वारा किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष विधायक वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की। विद्यालय में हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री रमेश जजा जी, पार्षद नजर परवीन जी, प्राचार्य जी ने यह मान की कि यहाँ पर एक डोम होना चाहिए बच्चों के बैठने के लिए। हमने उसमें 15 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की है और बहुत जल्दी यह डोम का निर्माण किया जाएगा। इसके पूर्व भी इस स्कूल के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिससे इस स्कूल में बहुत से कार्य संपादित हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।